हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश गुज्जर और मैं श्री मोटर्स के चैनल पे आज आपके लिए मार्केट की सबसे डिमांडिंग 7 सीटर कार्स लेकर आया हुआ हूँ। और आइए मैं आपको कार के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। कार जो लेकर आया हूँ ये है मार्केट की सबसे डिमांडिंग कार अर्टिका, और ये डीजल वेरिएंट है तो काफ़ी अच्छा एवरेज मिलने वाला है। मैं गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सर। गाड़ी के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ये देख सकते हैं हम, इसका लोगो लगा हुआ है जो कि इसके ब्रांड को प्रतीक है। उसके बाद में ग्रिल जो गाड़ी को स्पोर्ट्सी लुक्स प्रदान करती है। उसके बाद में अगर मैं इसके लाइट्स की बात करूँ तो इसमें हेलोजन लाइट्स लगी हुई है जो कि रात के व्यू को बहुत क्लियर बनाती है। साथ में इसमें हम देख सकते हैं फॉग लैंप्स दिए हुए हैं जो रात में आपको बहुत विजिबल दिखाई देगा रास्ते के सफ़र में जब भी कोई गाड़ी सामने से आती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गाड़ी में आप देख सकते हैं साइड में इसके मिरर दिए हुए हैं। इन मिरर्स में ऑलरेडी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ये इंडिकेटर्स जो हैं जो रात में आपके टर्न के समय काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और मैं आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, गाड़ी के साथ में हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्पोर्ट्सी लुक गाड़ी का दिया हुआ है। साथ में हम देख सकते हैं साइड में ग्रिल्स लगी हुई हैं और रेन वाइजर लगे हुए हैं जो कि गाड़ी को काफ़ी स्पोर्ट्सी लुक्स प्रदान करते हैं। इनकी बात करें अगर हम, और गाड़ी के अगर हम अंदर चले जाएं तो गाड़ी में इंटीरियर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप गाड़ी में देख पा रहे हैं गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी शानदार इंटीरियर, गाड़ी बिल्कुल नीट क्लीन गाड़ी है। गाड़ी मात्र 63,000 किलोमीटर चली हुई है। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। गाड़ी में चारों पावर विंडो दिए हुए हैं। साथ में आप अंदर से ही गाड़ी के मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में गाड़ी की मैं अंदर बात करें तो उसमें पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, टिल एंड टेल पावर स्टीयरिंग मिलेगा। और एसी है, हीटर लगा हुआ है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। गाड़ी में अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट आप देख सकते हैं फोल्डेबल सीट मिलती है। साथ में गाड़ी की सीट जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 60-40 के रेसो में जो है गाड़ी की सीट जो है आप फोल्ड कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गाड़ी में ग्राफिक्स लगा हुआ है जो कि गाड़ी को बहुत ही शानदार लुक देता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गाड़ी के रियर की तो रियर में आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रियर में हम गाड़ी की लाइट्स की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लाइट्स है जो कि दूर से ही इंडिकेट करती है और साफ क्लियर नज़र आती है। और गाड़ी में पीछे एक ब्रेक लगा हुआ है जिसकी वजह से आप गाड़ी में कभी मान लो कुछ अगर थोड़ा सा धक्का वगैरह भी लगता है तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलेगा आपको। 209 लीटर के आसपास का इसका बूट स्पेस आता है। और सीट की अगर हम बात करें तो ये फोल्डेबल सीट्स आती है जो कि 60-40 के रेसो में आप आराम से सीट फोल्ड कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको साइड में बात करूँ तो गाड़ी की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 185 mm का इसका ग्राउंड का क्लियरेंस आएगा। साथ में आप गाड़ी के फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ रहता है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें व्हील कैप लगे हुए हैं जो कि काफ़ी स्पोर्ट्सी लुक्स प्रदान करते हैं। अगर मैं साइड में अगर बात करूं इसके रियर की और इसमें पीछे बैक की बात करूं अगर इंटीरियर में, तो पीछे की सीट्स भी काफ़ी शानदार सीट्स हैं, आराम से 3 जन बैठ सकते हैं। और इसमें नीचे लेग रूम्स वगैरह काफ़ी स्पेसियस है। पीछे की सीट्स भी हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसियस सीट्स हैं और सीट आराम से फोल्ड करके हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और गाड़ी के बारे में अगर हम और भी बात करें तो बहुत ही शानदार कंडीशन में है गाड़ी जो कि आप देख पा रहे हैं, और लुक भी बहुत प्यारा है। गाड़ी 63,000 के आसपास चली हुई है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और आइए गाड़ी नेक्स्ट चीज़ में आपको बताने वाला हूँ इंजन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोनट ओपन कर दिया है। गाड़ी में जो है DDIS इंजन, डीजल डायरेक्ट इंजन लगा हुआ है और ये 1248 cc का इंजन आता है। राइट और लेफ्ट देख पा रहे हैं आप व्यवस्थित तरीके से गाड़ी में बिल्कुल एकदम साफ क्लीन क्लियर गाड़ी है। और गाड़ी के अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये 4000 RPM पे 89 जो है BHP का पावर जनरेट करती है। और इसके अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 1750 RPM पे ये 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, मतलब काफ़ी अच्छा टॉर्क और पावर जनरेट करती है। गाड़ी का एवरेज की अगर मैं बात करूं माइलेज की तो कहीं भी 24 के आसपास का इसका प्रति लीटर माइलेज आता है। गाड़ी का आपको मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई दी है। गाड़ी का इंजन भी बहुत ही शानदार है, साफ़ सुथरा इंजन है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम शानदार चीज़ है। और ये चीज़ आप बहुत आसानी से हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया है 7 सीटर गाड़ी है। और बाकी और मैं गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी 2014 की फर्स्ट ओनर 63,000 चली, मात्र डीजल
गाड़ी है और इसका प्राइसिंग जो है बहुत ही कम रखा हुआ है, नॉमिनल प्राइस रखा है हम लोगों ने। इसका प्राइस आपको आएगा 6,95,000 रुपये मात्र, 6,95,000 रुपये मात्र में 2014 की 7 सीटर डीजल गाड़ी 63,000 चली आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से। तो दोस्तों आप जैसे ही ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसे ही और भी मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और ऐसे ही हम लोगों के ऊपर बना रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहें, नए से नए वीडियो लेकर आते रहें, नई से नई गाड़ियाँ लेकर आते रहें। यही आप अपेक्षा के साथ में मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।